Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. Mr. Bhagwant Mann holds a record in Punjab political history of having garnered 5.33 lakh votes in Sangrur. He is the biggest, across all parties, the biggest crowd puller politician the state has ever known. And before I can move on, I just want to ask, start with just one question. Aam Aadmi Party, when it started across India, sirf Punjabiyan ne kyun Aam Aadmi Party nu vote paye? Ek gal bilkul sahi hai, bahut sahi baat aapki. कि जो पंजाबी हैं वो नई चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं. जो अगर कोई नया इनकलाब भी शुरू हुआ देश की आज़ादी का तो यहीं से शुरू हुआ. हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनको दो दो बार धाड़ियों से लड़ना पड़ता था. इधर से आते थे दिल्ली लूटने, जब वो जाते थे लूटने तब भी लड़ना पड़ता था, जब आते थे तब भी लड़ना पड़ता था. तो हमारे ब्लड में बगावत है, बगावत है. जब सिस्टम के खिलाफ बगावत उठी, एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली, तो पूरे देश में पार्टी हार गई. आप ये कह सकते हैं कि सूख रहे पेड़ पर चार हरे रंग के पत्ते पंजाबियों ने दिखाए थे. आम आदमी पार्टी के अलावा यू स्टार्टेड विद मनप्रीत बादल इनिशियली, उसको नीचे करना हमारी साइकी है. कहते हैं किसी ने भक्ति की तो देवता प्रकट हो गए. बोले मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं. मां क्या मांगता है, लेकिन एक बात है ये याद रखना, जो तू मांगेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिल जाएगा. उसने अच्छा ही कहता, हाँ मां फिर क्या मांगता है. कहता तू लाख रुपए मांगे उसे दो मिलेगा, अगर एक शादी मांगे उसकी दो हो जाएगी. फिर कहता जी मुझे एक आंख से काना करके मेरे घर के सामने एक कुआं खोद दो. अब वो अंधा होगा और दो कुएं, वो तो गिरेगा ही गिरेगा, अपना अपना नुकसान करा लेंगे लेकिन उसको नहीं जीने देंगे. इसके लिए आपको कोई बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों से कोई बुक्स नहीं लेके आनी पड़ती. अगर रिक्शा भी पढ़ लोगे ना, रिक्शा पढ़ना भी शुरू करो किताबों के साथ साथ. रिक्शा पर लिखा हुआ है जियो और जीने दो. ये ना हम जीते हैं ना किसी को जीने देते हैं. लड़ाई वाली बात नहीं. एक दिन मैडम ने मुझे कहा तुम यहां बहुत आते हो. मैंने कहा तुम बुलाते हो कैसे. मैंने कहा कि अगर वहीं से मुझे टाइम दे दो मेरी सीट से, मैं यहां क्या करने आऊं. तुम नए नए चुनकर आए हो. मैंने कहा चुनके आया हूं, दर्शक गैलरी का पास तो लेके नहीं आया ना. टाइम वहां बोलना बहुत मुश्किल काम है जी. वहां बोलने के लिए आपके पास होमवर्क होना चाहिए, ठीक है, हाजिर जवाबी होनी चाहिए. वहाँ इतने बड़े बड़े सर वाले बैठे हैं और 25-25 30-30 साल से वहीं बैठे हैं. बोलने नहीं देते किसी को. आगे से ऐसी बात करते हैं पूरा सवाल हो आपका, आपका मुद्दा ही कहीं और डाइवर्ट हो जाता है. सर तुसी अपने पॉलिटिक्स का मतलब कुछ भी थोड़ी शुरुआत की हुई होगी, तुसी सोचा कि यहाँ मैं पॉलिटिक्स लाइन से जाना है. हाँ मैं बिल्कुल सोचा नहीं सी पहले कदे. बड़ा बड़ा अच्छा करियर चल रहा सी. बॉम्बे लफ्टर चैलेंज तो बाद सारे कंट्री दे विच हिंदी मूवीज़ भी ऑफर आने लग गई सी. पर मनप्रीत सिंह बादल उन्होंने पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब बनाई तो कहा कि पंजाब के जिहड़ा दर्द रखते हैं वो मेरा साथ दो. तो मेरे दिल दे विच आवाज़ आई कि सिस्टम नू क्रिटिसाइज कैसटा सीडीज राही सीरियल राही करी जाने, इनू सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर लेंदे लोग के हाँ बहुत वधिया सीडी सी ताड़ियाँ मारती हैं जा हिट होगी. इहदे नाल सिस्टम चेंज नहीं हो रहा. तो मैं ये फैसला किया कि जे गटर नू साफ करना है तो गटर के बिच बढ़ना पैंदा है. अगर गटर साफ करना है तो गटर में उतरना पड़ेगा आपको. तो मैं सर सबसे पहले तो तुसी ग्रेट हो, यू आर एन एक्सलेंट एंटरटेनर फॉर अस. आपने बोला आज के वर्ल्ड में किसी को हंसाना सबसे मुश्किल काम है एंड यू हैव डन इट, यू मेक अस लाफ. सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बोला कि लालू मुलायम इन्हीं के बच्चे यूथ हैं, यहाँ बहुत सारे यूथ बैठे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम वांट टू बिकम पॉलिटिशियन, बट या आई वांट टू बिकम पॉलिटिशियन. आपने बोला वो दरवाजा जो है खुल नहीं रहा है, तो कैसे खोले सर. दैट आई वांट टू नो. जी देखो जी डायनेस्टी जो परिवारवाद है ना, अब मुझे पता है कि
राहुल गांधी जब मेरी मेरी सीट के दो दो सीट छोड़ छोड़ के आ गए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसको मजबूरन एमपी बनना पड़ता है कि परिवार जा रहे ही काम करता है, करना ही पड़ेगा, है ना। हम जो नूनी हैं इसलिए जब बोलते हैं तो उसका आपका अंदर से जो निकलता है वो दिल से निकली हुई बात असर रखती है। किसी की सिखाई हुई या किसी की रट्टा लगा के आप वो नहीं कर सकते। सो दरवाजे खुलेंगे फ्यूचर में, बहुत कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि मैंने वही कहा था कि छोटी पार्टियां कई बार आराम से कोई कुछ नहीं, उनको इधर ऐसे लगता है जैसे या तो ये किसी को मारेगा या इसको कोई मारेगा। मतलब हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे टीवी में आकर हमें कहते हैं कहीं जाइएगा मत, वो नहीं जाएंगे भाई साहब, नहीं जाएंगे, तू चला जा, ये हालत है। तो इसको हम पॉपुलरिज्म कह सकते हैं, लेकिन ये खबरें नहीं। तो फ्री स्पीच का मतलब है डिबेट करो, दलील से बात रखो। डेमोक्रेसी का यही मजा है कि सहमति और असहमति चलती रहती है। जिस जहां बहुमत है, ये तो महात्मा बुद्ध के समय से है, वो भी बुद्ध काउंसिल बुलाते थे, ये तो अकबर दीन लाही में सभी धर्मों के लोगों के साथ डिस्कशन करते थे। तो डेमोक्रेसी जो है वो पुराना हमारा कल्चर है, तो इसको, इसमें फ्री स्पीच का मतलब किसी को गाली देना नहीं है। फ्री जिससे कोई हर्ट हो, ऐसे ही व्यंग है, जो व्यंग है वो ऐसा होना चाहिए जिस पर आपने किया। तो इन्होंने मुझे संपर्क किया जब, तो मैंने कहा जी मैं किसी गांव में हूँगा वहाँ आ जाना। एक गांव में ये आ गए, उसमें मैं स्पीच कर रहा था, ये खड़े थे, उसके बाद गाड़ी में बैठकर अगले गांव तक जाना था, इन उन्होंने शुरू करना था। तो वही था 100-150 मोटरसाइकिल वाला यूथ मेरी गाड़ी के आगे, 100-150 पीछे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते जा रहे थे। इन्होंने पहले सवाल पूछा कि भवन जी यूथ जो है वो आपके साथ है, कैसा लग रहा है? मैंने कहा जी बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुख हो रहा है। कहते नेता को जब ये सवाल पूछा जाए कि यूथ आपके साथ है, इतने मोटरसाइकिल इतने यूथ, तो वो प्राउड फील करता है कि देखिए मैं यूथ का आइकन हूँ। मैंने कहा सर पहली बात तो मैं नेता नहीं, नंबर दो पे दुख मुझे इस बात का हो रहा है कि टुडे इज ए वर्किंग डे, बुधवार है, कितने बजे हैं? दिन के 12। ये यहाँ मेरी गाड़ी के आसपास ये इतना बड़ा यूथ क्या कर रहा है? इनको अब इस समय काम पर होना चाहिए था। मुझे इस दुख, ये दुख है। अगर संडे सैटरडे होता, अगर सैटरडे संडे होता ये आ जाते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये इसको हम ये कहेंगे यूथ हमारे साथ है, इसका मतलब उसमें एक दुखद पहलू भी है कि रोजगार नहीं है। अब आगे साथ में इन्होंने अगला सवाल ये पूछा, हम जो राजनीतिक मंच होते हैं वहाँ बोलते हैं, लेकिन ऐसा यूथ जो है जो जिन्होंने हमारे देश का भविष्य जो है फ्यूचर है मेरे सामने बैठा है। और यही बात मैं कहना चाहूँगा कि अपनी मेहनत, अपनी कमाई भले ही कम हो जाए, मैं एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। जब मेनका जी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थी, तो उन्होंने सर्कस पर में जानवरों के खेल पर पाबंदी लगा दी थी। कलकत्ता की एक सर्कस थी, ओलंपिया सर्कस, बड़ी फेमस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे। अब वो बेरोजगार हो गए, शेर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन शेर मीट खा रहे थे हर रोज़, क्विंटल कई क्विंटल मीट उनको खाना खिलाना पड़ता था, हाथी चारा खा रहे थे कई क्विंटल, तो इनकम बंद हो गई। तो उन्होंने क्या फैसला किया, उन्होंने फैसला किया 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ आए। 10 दिन के बाद पता चला 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए। कारण क्या, वो बना बनाया मीट खाने के आदि हो चुके थे, वो अपनी अपनी ताकत भूल गए, वो भूल गए कि हमारे में टैलेंट पंजे कितने हमारे ज़बरदस्त हैं, हमारे हमारे जबड़ों में कितनी ताकत है। तो इसलिए उधर दूसरी तरफ कुत्ते भूखे मरते, शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे ही, चलो इकट्ठे होकर शेर को घेर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े प्लॉट, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़, बड़े बड़े जो माल छोड़कर जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना जाते हैं। हम एक दिन भूखा रह लेंगे, लेकिन अपना शिकार खुद करेंगे।